ये देखिए हमारे राजौरी मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने चौथा बैच MBBS का यहाँ पे एडमिट किया और हम दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हो या हमारा हॉस्पिटल हो, हम एक एक दिन हम तरक्की करते जा रहे हैं। ये ओथ सेरेमनी है, इसमें हम चरक ओथ करवाते हैं जो हमारे महर्षि थे 300 BC से पहले के। ये उन्होंने एक कानून बनाया था जो गवर्न करता है कि एक डॉक्टर को, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपनी ज़िंदगी में कैसे बिहेव करना है, अपने मरीज़ों के प्रति उसका क्या व्यवहार होना चाहिए, मरीज़ की बीमारी के प्रति क्या होना चाहिए, अपने प्रति क्या होना चाहिए। तो ये सारा उस ग्रंथ में से निकला गया एक चरक ओथ है जो आज हमने इन बच्चों को दिलवाई ताकि ये आने वाले वक्त में एक सेवा भाव लेके एक डॉक्टर बने और अपना और हमारे राजौरी मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करें। सर, इससे पहले भी 3 बैच जा चुके हैं जिस तरह से आपने बताया, तो सर किस तरह की पढ़ाई यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को करवाई जाएगी, थ्योरेटिकली बात करें या फिर प्रैक्टिकली? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया, अभी मुझे ज्वाइन किए 1 महीना हुआ, तो मैंने एक एक डिपार्टमेंट का सर्वे किया, एक एक डिपार्टमेंट के हर कोने में गया, तो मैं पढ़ाई के मामले में मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। ये किसी भी नेशनल मेडिकल कॉलेज के लेवल से कम पढ़ाई नहीं हो रही है और मुझे आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ पे राजौरी मेडिकल कॉलेज के 2 बच्चों ने यूनिवर्सिटी में पोजीशंस लाई हैं, उन्होंने डिस्टिंक्शंस लाई हैं और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने नेशनल गेम्स बैडमिंटन में और एक और गेम थी उसमें गोल्ड मेडल जीत, योगा उसमें गोल्ड मेडल भी जीत के लाया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर हम देखा जाए तो अगर हम खुद अभी बेबी चाइल्ड हैं, 3 साल की हिस्ट्री है हमारे मेडिकल कॉलेज की और जो मेडिकल कॉलेज जम्मू है या वो दूसरे हैं वो तो 40-50 साल से बने हुए, तो हम उनका मुकाबला पूरी तरह से कर रहे हैं और आने वाले वक्त में उनके बराबर उनसे आगे निकलेंगे। वेल, माई नेम इज़ सिया एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान बेसिकली, एंड एक्चुअली आई हैव बीन अलॉटेड दिस कॉलेज द GMC राजौरी, एंड नाउ टुडे देयर वी हैव अ ओथ सेरेमनी एज वेल एज लाइक एप्रन सेरेमनी एज वेल, एंड एक्चुअली इट्स रियली अ वेरी नाइस प्लेस विद द ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन GMC राजौरी। आई कुड नॉट एक्सपेक्ट लाइक दैट बैकवर्ड एरिया ऑफ राजौरी कुड बिकम सच अ वेरी फ्लरिश्ड सिटी राइट नाउ, एंड विद दैट लाइक बींग इन अ प्रोफेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी एंड नोइंग हाउ टू ब्रिंग बैक इन इट ऑन द ट्रैक आर द थिंग्स दैट विल चेरिश अस फॉर द लाइफ टाइम। इट्स रियली अ वेरी प्राइड एंड अ चेरिश्ड मोमेंट फॉर मी, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई टीचर्स, माई पेरेंट्स एंड एट लास्ट माई गॉड स्पेशली फॉर sending me or giving me such a beautiful place where I can complete my MBBS course. My name is Ifra Shikil Raina and I'm local here. I'm from Thanna Mandi, Tehsil in District Rajouri. Currently, I'm staying here in Khiora Rajouri. And first of all, I'm a local and it's a very proud moment and I'm welcoming all the students coming across the India here, and obviously it's a proud moment because when I'm seeing students here, they're feeling safe in the city of Rajouri, so that is very proud moment for everyone. So today it is our oath ceremony and apron ceremony,
एंड मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब हम छोटे थे तो हम यूज़ टू ओपन द गूगल एंड यूज़ टू वॉच वीडियोज़ के कैसे होता है, ये स्टेथोस्कोप होता है, ये कोट होता है एंड ये ओथ जो होती है हम लेते हैं. और जब आज वो ओथ के वर्ड्स जो हम पढ़ रहे थे, वो एवरी वर्ड इज़ गिविंग मी गूज बम्स, बिकॉज हम इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं. वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एवरी aspect, एवरी इमोशंस. जब हम ऑफ एंड गाइनी में जाएंगे तो हम एक लाइफ का एक्सपीरियंस देखेंगे कि एक वो खुशी होती है जब एक न्यू बॉर्न बेबी जब जो है वर्ल्ड में आता है. फिर जब हम एमरजेंसी में जाएंगे या किसी भी डिपार्टमेंट जाएंगे, जब वहाँ पे कोई डेथ होगी तो हम एक एक्सपीरियंस वो भी देखेंगे जो सौरव का एक्सपीरियंस होता है, हमारा सौरव का एक इमोशन होता है. पहली बार आपने अटेंड करना है तो स्टेथोस्कोप पहना, और किस तरह का फीलिंग जो आज आपको आ रही है? आज तो मैं सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, मेरे दिमाग में ये चीज़ डाली कि हाँ आपको इस फील्ड के लिए जाना है. एक सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन जो इस वक्त सोसाइटी में है वो एक डॉक्टर का प्रोफेशन है. और मैंने जब पहली बार, अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स माय जर्नी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी. सबसे पहले MBBS, देन PG, MD, बहुत कुछ होने वाला है. बट आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज जब आप पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी देखते हो और आपको पता होता है कि यू आर द रीज़न फॉर दैट स्माइल, तो आप एक अलग वे में फील करते हो उस चीज़ को. पीर पंजाब रीजन के लिए एक बहुत खुशखबरी की और एक खुशी की ये बात है कि आज हमारा ये एक फोर्थ बैच जो है जो इंटर हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में, जो कि रजौरी पुंछ रैसी और पीर पंजाब रीजन का एक अकलौता मेडिकल कॉलेज है जिसपे काफ़ी बर्डन भी है और डे बाय डे ये काफ़ी इम्प्रूव भी है और पिछले 3-4 सालों से इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई है. और जो हमारा प्री फाइनल का बैच है वो अब फाइनल में इंटर होगा, जिसका अब 2 महीने के बाद उसका एग्ज़ाम है. तो मैं सब बच्चों को अपने पूरे स्टाफ की तरफ से खुश एक मुबारकबाद उनको देता हूं, और मेरे बच्चों को भी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इतनी दूर दूर से अगर कोई आ रहे हैं तो वो एक पढ़ाई की तरफ जो है पूरा ध्यान दे. हमारा जो नए मेडिकल कॉलेजेस में इसमें काफ़ी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि आपकी तरफ स्टूडेंट की तरफ से और उनके पेरेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी तवन मिले. ये नहीं कि वो खाली आल इन आल हम पे डिपेंडेंट हो जाएं, वो अपने बच्चों का भी पूरी तरह ख्याल रखें. जैसे उन्होंने डे फर्स्ट से लेकर 12th तक उन्होंने इनका एक पूरी तरह ध्यान रखा है, वो आगे भी हमारा ये पूरी तरह साथ देंगे. और हमारे जो 4 बैच है वो इंशाल्लाह पूरी अच्छी तरह वो चल रहे हैं. हमारे पास पूरी फैकल्टी भी है और डे बाय डे जो फैकल्टी वो इंक्रीज़ हो रही है, और काफ़ी दूर दूर से जो हमारी फैकल्टी बाहर जो स्टेट से उनसे भी काफ़ी फैकल्टी हमारे इधर काम कर रही है. और हमारे शफीक सर हैं जो हमारे अकाउंट्स ऑफिसर हैं जो पूरा आल इन आल देखते हैं, इनकी तरफ से हमारा काफ़ी जो तमन मिलता है, पूरी गाड़ियों की जो सहूलियातें, पूरी पढ़ाई की तरफ से जो कुछ भी चीज़ें हमें कमी है वो हम इनकी तरफ से बोलते हैं, और ये हमें जितना जल्द हो सकते हैं ये हमें पूरे मुहैया करते हैं. और आज का जो दिन है एक पीर पंजाब रीजन के लिए खुशखबरी का दिन है कि आज इन बच्चों को हमने पूरा एक अच्छी तरह बताया कि कैसे आगे मेडिकल पढ़ाई कैसे पढ़नी है और कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या कैसे कैसे किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या है, वो इनको पूरी एक इंट्रोडक्शन दी है. और एक इनको एप्रन जो एक पूरी ज़िंदगी एक डॉक्टर की खुशी की बात होती है, एक उनका एप्रन का पूरा सेरेमनी और दूसरे जो स्टेथोस्कोप की सेरेमनी जो हमने आज इनको बताई. और हमारे वर्दी प्रिंसिपल AS भाटिया सर हैं जो अभी कुछ ही दिनों में इनको ज्वाइन किए हुए, उनके इन दिनों पीछे चंद ही दिनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और इंशाल्लाह वो आगे भी पूरी इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे. और मेरे बच्चों से फिर एक बार ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना पूरा तावन दे खेल में, पढ़ाई में, और जितनी भी जो गंदी आते हैं वो उनसे वो दूर रहें, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई कहा जाता है एक समुंदर है, इस समुंदर में डुबकी लगा के ही बाहर आ जा सकता है. और मेरा ये रहेगा कि वो पूरे दिल से पूरे दिमाग से अपने ये पढ़ाई को पूरा करें. खुशी की बात है कि ये बैच जो चौथा अब यहाँ पे फॉर्मली दाखिल हो चुका है. आज की जो सेरेमनी थी ये बड़ी शानदार ढंग से इख्तिताम पज़ीर हो रही है. बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन था जो जहाँ पे सभी लोगों ने उनको समझाया है कि आगे उनको किस तरह से बढ़ना है. ये बच्चे बड़े बड़े ख्वाब लेके आए हैं यहाँ पे, और हमें पूरी उम्मीद है कि कामयाब तरीन डॉक्टर्स यहाँ से बन के जाएंगे. हमारे बच्चों ने यहाँ पर इस कॉलेज में बहुत अच्छे काम करके दिखाए हैं, जिस फील्ड में गए हैं, चाहे वो एकेडमिक तो चल ही रहा है लेकिन स्पोर्ट्स के कैटेगरीज में या कल्चरल इवेंट्स में भी बहुत आगे हैं. बहुत समझदारी से हमारा ये कॉलेज चल रहा है, बहुत कामयाबी से चल रहा है. इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया वो काबिल सताइश है. अब की बार जो हमारे प्रिंसिपल यहाँ पर आए हैं तो उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उन्होंने बड़े शानदार ढंग से शुरुआत दी है. हमें उम्मीद है कि ये कॉलेज बहुत तरक्की करेगा और बहुत
छोटे टाइम में बहुत अच्छी तरक्की करेगा। आज यहाँ पे ओथ सेरेमनी और एप्रन वेयरिंग सेरेमनी कौन सा बैच है और क्या कहेंगे? देखिए, इस मेडिकल कॉलेज को बने हुए 5 साल हो गए हैं, तो इस साल इसका 5th ईयर है और 4th बैच जो MBBS स्टूडेंट्स का वो आज हमारे पास ऑफिशियली ज्वाइन किया है। तो आज उसके उपलक्ष्य में हमने ओथ सेरेमनी एप्रन वेयरिंग सेरेमनी रखी हुई थी। सर, जो इसमें स्टूडेंट्स हैं ये कहाँ कहाँ के हैं? ये पूरी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास श्रीनगर से स्टूडेंट्स हैं, कश्मीर से हैं, रजौरी के हैं, पुंछ के हैं, जम्मू के हैं। तो इसमें कोई वो डिफरेंस नहीं कि कोई कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं, वो डिपेंडिंग अपॉन मेरिट होता है सारा। सर, इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो किस मयार से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली बात की जाए या फिर थ्योरेटिकली? देखिए, पढ़ाई में थोड़े से रिफॉर्म्स अब चेंज हुए हैं। पहले क्या होता था कि जब न्यू एंट्री होती थी, 1st ईयर या 2nd ईयर होता था, तो क्लिनिकल चीज़ों पे कम ध्यान दिया जाता था। अब NMC की जो गाइडलाइंस हैं उसमें 1st ईयर में ही अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो दिया जाएगा। पहले ही साल से थ्योरी के साथ साथ पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स की जाती है, ताकि वो कम्युनिटी के लिए एक अच्छे फिजिशियन बन सकें, अच्छे कम्युनिकेशन कर सकें मरीज़ के साथ, उसके अटेंडेंट्स के साथ। कोई ब्रेक न्यूज़ करनी है, कैसे करनी है, तो वो सारा जो है आजकल हम पहले ही साल से स्टार्ट कर देते हैं एज़ पर NMC गाइडलाइंस। सर, जिससे पहले के बैच था उसका किस तरह का रिजल्ट रहा? बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे कॉलेज का। हमारे पास 2 पोजीशंस हैं यूनिवर्सिटी की, अभी तक जो 3 बैचों ने एग्ज़ाम दिए हैं तो उनमें 2 हमारे पास पोजीशंस भी हैं। इवन इन स्पोर्ट्स, जैसे मैंने वहाँ भी लेक्चर में भी बोला कि स्पोर्ट्स में भी हमारे पास एक गोल्ड मेडल है, एक स्टूडेंट्स के पास 2 अभी हमें बैडमिंटन में मेडल मिले हैं। तो वी आर डूइंग फेयरली वेल। अभी तो ये बडिंग कॉलेज है, बट वी आर डूइंग वेरी वेल। सर,